बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मसाला फ्रेंच फ्राइज़। तो ये फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ बन जाते हैं और बहुत ही फ्यू इंग्रेडिएंट से बनते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो आलू लिए हम लोगों ने आधा किलो और नमक लिए हम लोगों ने 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया हम लोगों ने 1/2 टेबल स्पून, आमचूर का पाउडर लिया हम लोगों ने 1/2 टेबल स्पून। तो अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं तो आप चाट मसाला भी डाल सकती हैं। कॉर्नफ्लोर ले लेंगे हम लोग 1/2 कप। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें ये मसाला फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस तरह से काट लेंगे सारे। तो इसे उन्होंने इस तरह से काट लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ले लेंगे हम लोग एक बाउल, इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे अपनी फ्रेंच फ्राइज। तो ये हमने डाल दिया। अब हम इसके ऊपर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आमचूर का पाउडर, नमक और कॉर्नफ्लोर। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल हम लोगों ने गर्म कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिप्स डालेंगे। फ्राई कर लेंगे इनको 5 मिनट तक। हम लोगों ने फ्राई करना है। तो 5 मिनट हो गए, फ्राई हो गई। हम इन्हें निकाल लेंगे। ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। ये हम लोगों ने निकाल लिए। इस तरह से हम सारे फ्राई करेंगे। इस तरह को हम लोगों ने दोबारा डाल लिए। तो ये भी फ्राई हो रहे हैं। तो तैयार है हमारे मसाला फ्रेंच फ्राइज़। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।